हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू ई ए सी टी क्लासेस आई एम टूडे विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल सो लेट स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों को कवर अप किया था तो हेयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें आपको इन तीनों आर्टिकल्स का यूज़ जो है दिखेगा ठीक है सो आई हैव फ्रेम दीज क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एरर डिडक्शन सो हेयर आर समी क्यूज सो यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट इज़ करेक्टली मैंशनड हेयर एंड विच नीड्स द करेक्शन द पार्ट विच नीड्स करेक्शन तो हम वो साथ साथ करते जाएंगे ठीक है तो आप भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा के हाँ किस पार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है किस पार्ट में नहीं है और जहाँ जहाँ करेक्शंस होंगी तो आई विल एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स के हाँ अगर कहीं पे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं हो रहा है वाई वी आर नॉट यूज़िंग द है एंड सेकेंडली कहीं पे ए यूज़ हो रहा है तो एन यूज़ हो रहा है तो किस बेसिस पे है तो ये खैर ये सब हमने लास्ट के लेक्चर्स में कवर अप करे हुए हैं सो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा करेक्शंस के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल सेंटेंस इन द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हूम द आइडिया फर्स्ट अकर द आइडिया फर्स्ट अकर अब इसमें क्या है कि हमने जैसे देखा है जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है हिस्ट्री केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस उनके साथ कभी भी हम क्या करते हैं आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है एज अ सब्जेक्ट ठीक है तो अगर एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी अगर बात करें देन ऑल्सो वी अवॉइड द यूज़ ऑफ आर्टिकल देयर सो यहाँ पे क्या आएगा इन हिस्ट्री इन हिस्ट्री तो हम देख रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं आर्टिकल द uh, का यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल देन कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड तो वी विल एलिमिनेट द है ठीक है तो द को हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा इन हिस्ट्री द क्रेडिट गोज़ टू अ मैन ठीक है तो इसमें अगर देखा जाए एर, uh, एरर किस में है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है तो इसके बाद अगर और कोई चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है इन हिस्ट्री द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसिज द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हूम द आइडिया फर्स्ट अक द आइडिया फर्स्ट अकर तो बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि आलमोस्ट सब के सब सेंटेंस क्या हैं दे आर दे नीड नो करेक्शन दे आर सिमिलरली सेकेंड पार्ट सेकेंड सेंटेंस में क्या है इट इज़ ओनली आफ्टर इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट हाउ बैड इट वॉस हाउ बैड इट वॉस देखिए इट इज ओनली आफ्टर वॉर इट इज ओनली आफ्टर द वॉर यहाँ पे दॉर लिखा है अब हमें पता है कि द कब लगता है जब कोई चीज़ डेफिनेट हो जाती है डेफिनेट कब होती है जब वहाँ पे उसको पर्टिकुलर किया होता है देखिए अगर यहाँ पे होता इट इज़ ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है फर्स्ट सेकेंड लगा के हम पर्टिकुलर करते हैं तो वहाँ पे द लगता लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल नॉट यूज़ द आर्टिकल द हेयर सो इसमें इस पूरे सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है सेकेंड पार्ट में सो इट इज़ सिंपली अ वॉर अ वॉर एक जनरल बात की जा रही है सो वी आर गोइंग टू यूज़ अ हेयर तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ए का यूज़ करेंगे तो so, हम देख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या है इस पार्ट में हमारे पास डिडक्शन जो करनी है हमने द की करनी है एंड वी हैव टू मेक द यूज़ ऑफ ए हेयर ठीक है तो हमने क्या करना है इस वाले सेंटेंस में द को हटा के ए का यूज करना है ठीक है सिमिलरली हमारे पास तीसरा क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी नॉन एवर इन द हिस्ट्री तो इसमें क्या है इन हिस्ट्री तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरिनाइटिंगल वॉज कॉल्ड द लेडी द लेडी बिकॉज़ ये एक पर्टिकुलर है ठीक है जिसकी कोई एडजेक्टिव क्वालिटी बोली जाए सो वेन वी पुट सम क्वालिटी सो क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेज इन द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव सो वी यूज़ द इन दैट केस सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्लोरिन नाइटिंगल वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प द लेडी विद द लैम्प सो यहाँ पे एरर किस पार्ट में आया है सी पार्ट में ठीक है इसी तरह से ऑफ द टू शर्ट्स ऑफ द टू शर्ट दिस इज डेफिनेटली बेटर दिस इज़ डेफिनेटली बेटर ठीक है अगेन इन देंटेंस दे आर आर हाउ मेनी पार्ट फोर पार्ट से आपको ड्रोडक्शन करना है तो ऑफ द टू शर्ट्स दिस इज डेफिनेटली यहाँ पर यानी पार्ट सी में हम लोगों को देखना है करेक्शन इज रिक्वायर्ड हेयर एंड इट विच केस इज दिस दिस इज़ द कॉम्परेटिव डिग्री केस ठीक है जहाँ पे हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना तो वहाँ पे हमेशा हमें क्या करना होता है आर्टिकल द का यूज़ करना होता है ठीक है जैसे हमें पता है वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं थ्री फॉर्म्स होती है वी वन वी टू एंड वी थ्री V1, V3. जो ये सेकंड फॉर्म होती है ठीक है सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री ठीक है वी यूज आर्टिकल द दा इन दैट केस ठीक है जैसे गुड गुड बेटर बेस्ट ठीक है गुड बेटर बेस्ट अब जो सेकेंड uh, फॉर्म है कॉम्परेटिव डिग्री uh, माना जाता है उसको ठीक है तो uh, वहाँ पर हम लोगों को क्या क्या यूज़ करना है आर्टिकल द का यूज़ करना है सो so, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा ऑफ द टू शर्ट्स ऑफ द ऑफ द टू शर्ट्स ऑफ द टू शर्ट्स शर्ट्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर यहाँ पे क्या आएगा दिस इज डेफिनेटली द बेटर वन द बेटर द का यूज करना है ठीक है तो एर हमारे इस पार्ट में आया है सी पार्ट में प्ली इंडियन टू विन नोबल प्राइज फॉर द लिटरेचर यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट की बात की जा रही है द लिटरेचर जैसा हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस में देखा फर्स्ट सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट्स के साथ कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं सो हेयर इज़ द एरर इन पार्ट सेकेंड ऑफ़ द सेंटेंस। ठीक है द ओनली इंडियन टू विन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर लिटरेचर तो यहाँ पर क्या आएगा हम द को यहाँ पे द को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे द को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे ठीक है सो नेक्स्ट इज देयर वर अ नंबर ऑफ प्रटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज नेहा हु रिमेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हु रिमीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ठीक है देखो सब की बात की जा रही है जनरली सब प्रटी uh, गर्ल्स की बात की जा रही है लेकिन एक को स्पेसिफिक करा हुआ है एक को स्पेसिफिक करा हुआ है उनमें से एक को स्पेसिफिक पिकअप करके जब हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है दैट गेट्स द डेफिनेट आर्टिकल्स देयर ठीक है दैट गेट द डेफिनेट आर्टिकल यूज ठीक है तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज अगर करना है जब हम किसी चीज़ को डेफिनेट करके बोलते हैं तो देन वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल हु रिमेन क्या सेंटर हु रिमेन द सेंटर क्या आएगा यहाँ पे हु क्या आएगा हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो क्या आएगा यहाँ पे द ठीक है इस केस में क्या आएगा द देन नेक्स्ट इज अ मैन इज नॉन बाय कंपनी ही कीप्स बाय कंपनी ही कीप्स अब देखो यहाँ पे बताओ ट्राई करो आप भी अपने लेवल पे अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी बाय द कंपनी ही कीप्स ठीक है एक आदमी पहले तो इसको यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर किया ठीक है एक आदमी की पहचान होती है जैसी वो अपनी सोहबत रखता है बोलते हैं ना कंपनी मैटर्स अलॉट तभी हमेशा बोला जाता है कि आपको हमेशा अच्छी कंपनी रखनी चाहिए इफ़ लाइक दिस टाइम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज देन वी शुड ऑक्योपाई आवर सेल्फ विद सच पीपल्स ओनली हु आर इन ड स्टडीज हु आर इंड इन प्रिपरेशन्स डे एंड नाइट बिकॉज कहीं ना कहीं वाइप्स जो है आप को मैटर करती हैं ठीक है ठीके? आप देखते हो आप बूस्टअप होते हो आपका मोरल जो है डाउन नहीं होता है यू रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स देन नेक्स्ट इज कालीस इज कालीदास इज कॉल्ड शेक्सपियर कालीदास इज ऑफ़न कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया आल दाउ ही हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशन ही हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशन अब देखिए जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं ठीक है कंपैरिजन यानी एक को हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कालीदास को नो डाउट दैट शेक्सपियर वाज अ यूरोपियन पर्सन एंड कालीदास वाज एन इंडियन पर्सन बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग दीज ठीक है शेक्सपियर वाज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन द इंग्लिश हिस्ट्री ठीक है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कालीदास को शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो जब क्या होता है कि जब किसी को किसी के साथ कंपेरिजन किया जाता है वहाँ पर आर्टिकल का आर्टिकल द का यूज किया जाता है तो यहां पर क्या आएगा कालीदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया ठीक है इसी तरह से अगर कोई और एग्जाम्पल लेनी होगी तो आ, जैसे कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ठीक है कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया तो यही देखा जब एक चीज़ का कंपैरिजन चाहे वो नेम हो चाहे वो प्लेस हो चाहे वो थिंग हो तो उस केस में क्या किया जाता है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है जिसको वहाँ पे हम डेफिनेट करते हैं वी अटैच द आर्टिकल द इन दैट केस कॉन्सेप्ट आ रहा है ठीक है जिसमें क्या है व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन फायर वन द हाउस ऑल द पीपल स्टार्टिड क्राइम ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसिस इस पूरे सेंटेंस में आपने एर निकालना है वन द हाउस वॉज सेट ऑन फायर यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है जिस भी जिस भी चीज़ से जो काम लिया जाता है ठीक है लाइक फायर का काम किया है बर्निंग का ठीक है uh, इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड टेम्पल मॉस और फॉर द रिलीजियस पर्पजेज़ ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है आ, जिस भी पर्पज़ को वहाँ पर उसका बताया जाए लाइक यहाँ पर बताया गया है कि वॉज द वन द हाउस वॉज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्ट क्राइंग ऑन द टॉप क्राइंग एट द टॉप ऑफ दअवाइस ठीक है तो आ, मतलब जल गया है सब कुछ जल गया है तो फायर का यहाँ पर दिखाया है कि बर्निंग का काम हो रहा है किसी भी चीज़ का जो काम जो वहाँ पे दिखाया जाए कि क्या हुआ ठीक है यूनिवर्सिटी वाज फॉर एजुकेशनल ही हम नहीं बोलेंगे यूनिवर्सिटी इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पज इज़ नो सिमिलरली व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर सिंपली हेयर वी यूज़ फायर ठीक है यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा ठीक है नो आर्टिकल विल बी यूज़ड हेयर ठीक है यहाँ पे ये आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा सो so, यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है हमारे पार्ट बी में ठीक है तो व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग ऑन द टॉप नेक्स्ट इज आई हैव बॉट दीज पेन आई हैव बॉट दीज पेन these pen for fifty rupees per dozen I have bought correct these pens for this is correct fifty rupees per dozen fifty rupees per dozen देखिए यहाँ पर जो ये पर लगाया है इन्होंने इट इज़ incorrect ठीक है क्यों क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी है कोई भी चीज़ जब हम डेली बेसिस पे यूज़ ना करते हों तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पे हमें आ, वर्ड uh, लाइक -like पर यूज़ नहीं करना होता है ठीक है जैसे लाइक like, फिफ्टी रुपीज़ के हमने बहुत सारे पेन लिए तो अब ऐसा नहीं है कि एक पेन एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा ठीक है एटलीस्ट एक दो दो दिन तीन दिन तो निकलते ही हैं ठीक है थीके? इसी तरह से हमने देखा कि जब uh, इनका डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है इन दैट केस आपको क्या करना है यही चीज़ माइंड में लानी है वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ एरर्स तो आपको क्या करना है ये चीज़ देखनी है कि डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है सो so, uh, हम पेन को डेली बेसिस पे यानी नहीं यूज़ करेंगे ठीक है डेली बेसिस पे तो नहीं ना लाएंगे रोज़ रोज़ शॉप से ख़रीद के तो नहीं लाएंगे तो इन दैट केस वी एवॉइड आर्टिकल वी यूज़ आ ठीक है यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा सो आई हैव बॉट दीज पेन फॉर फिफ्टी रुपीज़ अ डज़न ठीक है फिफ्टी रुपीज़ अ डज़न

That he can deal with both civil and criminal jurisdiction. तो यहाँ पे civil तो एक अलग हो गया, ठीक है? अलग से एक section है, जिससे ये deal करता है, and criminal अलग है, यानी दोनों particular हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है? दोनों को हम uh, specific करके लिखेंगे, तो यहाँ आएगा both the civil and the and the criminal cases, both the civil and the criminal cases, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास द आएगा ठीक है इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दी डेज ठीक है डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर आपको देखो फर्स्ट पार्ट डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज यहाँ पे तो आर्टिकल का कहीं पे भी यूज होगा ऐसा तो लग नहीं रहा है देन इस पार्ट पे देखिए रिमेन्स इन टेम्प को यहाँ पे ना एक मूड की मतलब मूड uh, के बारे में बताया जा रहा है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है जब भी हमें किसी की क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ मूड बताना हो इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ही परफॉर्मिंग एट दैट टाइम ही इज परफॉर्मिंग एट दैट टाइम लाइक यू विल यू विल करेक्ट इट लाइक रिमेंस इन अ टेम्प ठीक है जब भी किसी मूड को दिखाना हो ठीक है लाइक अ इना हरी ही ऑलवेज रिमेंस अ हरी ही रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज ठीक है तो मूड्स का बताना उसकी प्रेजेंट सिचुएशन uh, बताना ठीक है तो इस तरह से जो भी ये आएंगे तो आपको फिर वैसे ही एरर्स फाइंड आउट करने हैं होप के दिस लेक्चर वुड रिमीन अ बेनिफिशियल फॉर यू सो नेक्स्ट टाइम आई विल भी बैक विद न्यू टॉपिक एंड अब आपको इन रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे सो थैंक यू वेरी मच अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट एट माय बेस्ट लेवल सो थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़ कीप वर्किंग हार्ट Thank you, Thank you very much.